नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य के हर क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है और अब राजस्थान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। शिक्षा हमारी प्राथमिकता है, बिना शिक्षा के कोई भी समाज, राज्य और देश आगे नहीं बढ़ सकता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को अजमेर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नवनिर्मित राजीव गांधी विद्या भवन, अकादमिक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज और राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा कार्यालय का लोकार्पण और उद्घाटन समारोह के बाद बोर्ड के सभावन में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर में निरंतर सुधार हो रहा है और राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय IIM IIT खुल चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा और शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने एक साथ इन भवनों का लोकार्पण और उद्घाटन किया। समारोह के दौरान बोर्ड अध्यक्ष सुभाष गर्ग और कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 1 करोड़ रुपए का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भेंट किया। बोर्ड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सूत की विशाल माला भी भेंट की। बोर्ड के सचिव मिर्जूराम शर्मा ने आभार जताया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बोर्ड द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री गहलोत का भवन परिसर में पहुंचने पर सेवादल के मुख्य संगठक शैलेंद्र अग्रवाल की अगुवाई में सेवादल कार्यकर्ताओं ने उनका शॉल उड़ाकर माल्यार्पण कर अभिनंदन किया और फ्लैगशिप योजनाओं पर लिखी एक कविता भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने बोर्ड परिसर में बने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा कार्यालय, अकादमिक प्रशिक्षण भवन और उत्तर पुस्तिकाओं के रखरखाव के लिए बने विभिन्न कमरों, कंप्यूटर और प्रशिक्षण व्यवस्था सुविधाओं का अवलोकन किया और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष गर्ग से चर्चा की। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन मोहम्मद हनीफ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव मिर्जूराम शर्मा, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर RL दवे सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि उनके साथ थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को 11 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी परिसर में निर्मित राजीव गांधी विद्या भवन का लोकार्पण कर निर्माण कार्य की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्कूली शिक्षा में 10वीं व मिडिल स्कूल की मेरिट में आने वाली छात्राओं को 14 इंच के 56,000 लैपटॉप देने की घोषणा की गई। इस पर 330 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने घोषणा की कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी 1,00,000 छात्राओं को 5 साल तक 500 रुपए प्रतिमाह की सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। पूर्व में 1,00,000 रुपए की आय वाले परिवार के बच्चों को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन आज उन्होंने 2,50,000 रुपए की वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को भी इसमें शामिल करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में प्रतिभाएं हैं, शिक्षक यहां पर पहुंचे और अपना धर्म निभाएं, जिससे उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिले। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश में सबसे आगे है। निःशुल्क दवा योजना, यहाँ तक कि मूक पशुओं को भी निःशुल्क दवा वितरण पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायी है। 3400 करोड़ रुपए का ऋण लेकर गरीबों के मकान बनवाए जा रहे हैं। अगर सूचना का अधिकार नहीं मिलता तो ट्रांसफ्रेंसी की बात कोई कर नहीं सकता था। पहले खाली MLA MP मांग सकते थे सूचनाएं, अब हर नागरिक को अधिकार दे दिया गया है कि वो जो चाहे सूचना प्राप्त कर सकता है। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ है मैं समझता हूँ। उसी रूप में मनरेगा का काम हो गया और फूड सिक्योरिटी बिल तो आ रहा है, परंतु राइट टू एजुकेशन का कानून बना के अधिकार देना देशवासियों को, मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। और जो जमाना बदला है, जब हम कहते हैं कि बिना शिक्षा के जीवन में अंधेरा है, तो शिक्षा पे ही केंद्र बिंदु बन चुके हैं। बिना शिक्षा के कोई मुल्क, कोई समाज, कोई जाति के लोग, कोई संप्रदाय के लोग, कोई परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये मोबाइल का जमाना, इंटरनेट कंप्यूटर का जमाना, जिसे कोई कल्पना नहीं करता था। आज ये 21st सेंचुरी का जो राजीव गांधी का कहने का मायने ही था कि हम विकसित राष्ट्रों की तरह हम भी क्यों नहीं लंबी छलांग लगाए कि हमारे यहाँ गरीबी नहीं रहे, भूखमरे नहीं रहे और हम लोग आगे बढ़ सके। बिना शिक्षा के कोई आगे बढ़ नहीं सके। समारोह की अध्यक्षता कर रहे शिक्षा मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा और विशिष्ट अतिथि नसीम अख्तर इंसाफ ने भी गहलोत सरकार के 4 साल की उपलब्धियों का बखान किया। बहुत से अधिकारी कहते हैं कि हम एक योजना को समझते हैं, उसका क्रियान्वयन में लगते हैं, उसके बाद दूसरी नई घोषणा मुख्यमंत्री जी कर देते हैं। ये सब चीजें इस बात का द्योतक है कि मुख्यमंत्री ने एक से एक नई घोषणाएं, अब घोषणाएं करना पिछली सरकार ने भी बहुत की थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन धरातल पे नहीं हुआ। लेकिन अपने खुशी इस बात की है कि सारे के सारे
योजनाओं का, बजट घोषणाओं का धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व को हम बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत का प्रयास सरकार कर रही है और सरकार चाहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करें। बालिका शिक्षा को महत्व देने के लिए आपकी बेटी योजना, प्यार की पुरस्कार योजना, देवनारायण योजना के तहत और साइकिल वितरण बच्चियों को किया जा रहा है, 1.5 लाख बच्चियों को साइकिल वितरण किया जा रहा है। तो सरकार माननीय प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे, क्योंकि किसी भी समाज और राष्ट्र और राज्य को आगे ले जाने के लिए शिक्षा एक अहम जरूरत। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बताया कि साल 1991 से 2000 तक का डाटा जल्द ही ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिससे विद्यार्थी 8 विभिन्न सेवा केंद्रों से अपनी अंक तालिका ले सकेंगे। बोर्ड ने जीनियस स्टूडेंट कांग्रेस का गठन किया है, जिसका जनवरी में अधिवेशन होगा। परिवार की एकमात्र छात्रा जो शिक्षा के क्षेत्र में 12वीं और 10वीं में मेरिट प्राप्त करेगी, उन्हें क्रमशः 31 व 21 हजार रुपए की राशि सहायता बतौर दी जाएगी। इस भवन का पहले इसका सभागार का लोकार्पण हुआ था, तब माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी व्यस्तता की वजह से एकदम नहीं आ पाए थे, जिसका नाम हमने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी के नाम पर रखा था, राजीव गांधी सभागार। और इस भव्य सभागार में आज बैठे हुए आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। हमसे पूरे प्रदेश में 8 विद्यार्थी सेवा केंद्र खोले हैं, जहाँ हमारे विद्यार्थियों को माइग्रेशन और डुप्लीकेट मार्कशीट तुरंत वहाँ उस विद्यार्थी सेवा केंद्र मिल जाती है, उसको अपना पैसा खर्च आकर के यहाँ अजमेर में नहीं करना पड़ता। शुरू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा, मुख्य सचेतक डॉक्टर रघु शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत, किशनगढ़ विधायक नाथुराम सिनोदिया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सदस्य व विधायक ओम जोशी, संभागीय आयुक्त किरण सोनी गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक अनिल पालीवाल, जिला कलेक्टर वैभव गालरिया, पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा सहित जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी आदि मौजूद थे।